दोस्तों आज मैं आपके सामने करूंगा एक ऐसी अनबॉक्सिंग जो आप सभी को जरूर पसंद आएगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक पार्सल आया है डीएक्स आर्चरी से। डीएक्स आर्चरी महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है और वहां से हमने एक पार्सल मंगाया है, तो देखते हैं उस पार्सल में है क्या। चलिए सबसे पहले हम कट करेंगे इसका जो बिल इनवॉइस है, क्योंकि बिल किसी भी पार्सल का मेन पार्ट होता है जिससे पता चलता है कि क्या क्या सामान इसमें आया है। लेकिन ये बिल हम बाद में खोलेंगे, पहले हम खोलेंगे इस बॉक्स, क्योंकि मुझे तो नहीं हो रहा है इंतज़ार, आपको भी नहीं हो रहा होगा, आप भी चाहते होंगे कि जल्दी से जल्दी ये बॉक्स खुल जाए। तो चलिए मैं ये बॉक्स खोलना शुरू करता हूँ। और अब हम एक एक करके निकालते जाएंगे चीज़ें और मैं आपको बताता जाऊंगा कि आखिरकार इसमें क्या है। तो गाइस अब हम स्टार्ट कर देंगे एक एक करके सामान निकालना। और ये जो हमारे पास आया है एक मैनुअल, ये मैनुअल किस बारे में है, ये मैनुअल है एक इसके बारे में जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये बॉक्स आया है, ये बॉक्स है एक साइट का, इसके अंदर एक साइट है या क्या है, चलिए देख लेते हैं, खोल लेंगे फटाफट से और देखेंगे इसमें क्या है। ओके, इसमें है एक टिकट की कंपाउंड की साइड, चलिए बहुत बढ़िया। और यहाँ से निकला है मेरे पास में एक स्कोप। ओके, इसको भी अब खोल लेंगे, देखेंगे इसके अंदर कैसा दिखता है ये स्कोप। ये स्कोप देखिए, इसके अंदर देखेंगे क्या है। ओके, ये एक बार है, देखिए इसके अंदर। अच्छा, ओके फ्रेंड्स, ये निकले हैं हमारे पास पे कुछ इस तरह से फिंगर टैप। आप देख रहे हैं ये फिंगर टैप कितने यूनिक लग रहे हैं, कलर भी बहुत ट्रेंडिंग है और मुझे लगता है ये आर्चर्स को पसंद आएंगे। अब देखेंगे और क्या निकला है। ओके, ये है एक हुक पीप क्लेरिफायर, यानी कि एक पीप साइट है जिसे हम पावर पीप साइट के नाम से जानते हैं। ब्लेड्स, ये ब्लेड्स हैं फ्रेंड्स, ये हैं कंपाउंड आर्चरी में यूज होने वाले रेस्टर के ब्लेड, ये ब्लेड यहाँ हम रख देंगे। ये हैं एरो रेस्टर्स जो कि इंडियन आर्चरी के लिए, इंडियन बो के लिए इस्तेमाल में किए आते हैं। ये है हमारा एक रिलीजर, और रिलीजर भी देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है जो कंपाउंड आर्चरी के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ नया निकला है और निकला है। ओके, ये निकला है, ये क्या है भाई, ये है हमारा एरो रेस्टर जो कि कंपाउंड बो के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। निकला है एक हमारा स्टैंड जो कि कंपाउंड बो में इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ये क्या है, ये है स्टील के पॉइंट्स, आप देख लीजिए स्टील के पॉइंट्स, और स्टील के पॉइंट्स हमारे लिए यूजफुल है। ये है एक बैग, वो बैग जो कि आर्चर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस वो बैग को मैं साइड में रखता हूँ। अब आगे बहुत ही नज़दीक से आ गए हैं, और ये आए हैं एक क्यूअर पे, देखिए ये क्यूअर आया है एक सार्चरी का, क्यूअर पे भी हम साइड में रखेंगे। हाँ दोस्तों, टेंटन, ये बहुत काम की चीज़ है। जी हाँ, आपको देखने में क्या लग रहा है ये, आप कमेंट करके बताइए। ओके, चलिए दोस्तों अब हम और कुछ ढूंढते हैं हमारे पास क्या निकल सकता है हमारे पिटारे में से। तो निकला है एक पीप, ये भी एक छोटी पीप साइट है जो कि बो में लगेगी, देखेंगे इसको आगे देखेंगे। यहाँ पे कुछ निकले हैं एवलॉन के एरो, एवलॉन के जो हाइब्रिड एरो हैं 700 के, वो यहाँ पे निकले हैं, देख सकते हैं एरो एवलॉन के हाइब्रिड एरो हैं। लॉन्ग बार, एक एक्सटेंशन लॉन्ग बार है, मैं इसे खोल के देख सकता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इतना ट्रेंडिंग सा लग रहा है, टायरो का है 1717 एवलॉन। सबसे मेन चीज़ की खुल जा सिम, और खुल गया है
ऊपर हमारे लिए एक पिटारा। ये है एक वो, और ये है पीएससी का मिनी बंकर। पीएससी